स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.85 खरब डॉलर को पार कर गई है। बीते गुरुवार को मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से इस स्थान पर थे। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफी वृद्धि की है। बुधवार को ये पहली बार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, ह्यूंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। अमेरिका के कई आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद एलन मस्क की कंपनी का भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। उनका मानना है कि डेमोक्रेट्स के आने से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का काम और भी बढ़ेगा, क्योंकि बाइडेन की पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन एजेंडा को बढ़ावा देने के लगातार वादे किए थे। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के मुताबिक उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे परेशान भी बहुत किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 अमेरिकी में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 साल के एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 साल की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज PayPal के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में eBay ने खरीद लिया था, और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। ये उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ साल पहले हुए इस इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। रॉलेट लिखते हैं कि मस्क का ये नज़रिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है, उसमें वे चाहें तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 साल के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं, और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। वे मानते हैं कि इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर भी BBC से हुए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज्यादा एक इंजीनियर के रूप में जानें। रॉलेट से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूं। बैंक में कितना पैसा है, इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता।
रॉलेट लिखते हैं, मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं, मनुष्यों के दिमाग से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ समान है, वो ये कि ऐसी भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थीं। और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं कि मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा। मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते, वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर उपनिवेश विकसित करने के पक्षधर हैं। एलन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स हैं और उन्होंने ये साबित किया है। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। SpaceX के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए, टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए। अपने साक्षात्कार में एलन मस्क ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। पर क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने जस्टिन रॉलेट से कहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। रॉलेट लिखते हैं, हमारी मुलाकात के दौरान मैंने पाया था कि मस्क एक चीज से जरूर निराश थे और वो थी आलोचनाएं। उनका कहना था कि आलोचनाएं किसी आधार पर होनी चाहिए, पर यहां तो लोग खुले तौर पर टेस्ला के डूबने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। मस्क के मुताबिक जब उन्होंने SpaceX और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। एलन मस्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XAE A12 रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं।